ओम शांति। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि के रूप में पूजन और आराधन किया जाता है। भक्ति मार्ग का कहना है, भक्ति मार्ग में मानते हैं कि कालरात्रि माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, सर्व मनोकामना पूर्ण करती है, भक्तों की भावनाओं को शुभ फल देती है, इसलिए उनका नाम शुभंकरी भी कहा जाता है। तो आध्यात्मिक अर्थ इसका है, काल रात्रि माना काल को समय कहते हैं, काल को मृत्यु भी कहते हैं और काल अंधकार को भी कहते हैं। तो पहला काल जो समय, जो भी हम कार्य करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझ करके कार्य करने से वो कार्य श्रेष्ठ बनता है। तो कार्य को करने के पहले तीनों कालों को जानकर समझकर कार्य कर। और दूसरा काल है मृत्यु। तो मृत्यु के भय से दूर होने के लिए आत्म ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करना, धारण करना और अभ्यास करना। और तीसरा है अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने से अपने जीवन को अज्ञान की अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाना। तो आइए आज कालरात्रि के स्वरूप में सारे विश्व की भयभीत आत्माओं को भी निर्भयता की शक्ति का वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ओम शांति।